हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप जीके पढ़ना पसंद करते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगी और उसके साथ में जवाब भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी को भी दबा लें, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोधपुर को। सवाल नंबर दो, विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूके लिप्सन। सवाल नंबर तीन, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अस्थियां। सवाल नंबर चार, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई से शुरू हुआ था। सवाल नंबर पांच, भारत का सबसे ताकतवर राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। सवाल नंबर छह, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। तो सही जवाब हो जाएगा ग्वालियर के युद्ध में। सवाल नंबर सात, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जिसका सही जवाब हो जाएगा हीराकुंड बांध। सवाल नंबर आठ, भारत का सबसे बड़ा फसुओं का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। सवाल नंबर नौ, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर को। सवाल नंबर 10, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ। सवाल नंबर 11, मकड़ी बिना खाए पिए कितने दिनों तक जीवित रह सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 महीने तक। सवाल नंबर 12, कोरोना वायरस पहला केस किस देश में आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में। सवाल नंबर 13, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा करेला की सब्जी। सवाल नंबर 14, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। सवाल नंबर 15, सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपास को। सवाल नंबर
16 महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। सवाल नंबर 17, कौन सा जीव पैदा होते ही अपनी माँ को खा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा केकड़े के बच्चे। सवाल नंबर 18, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलर झील। सवाल नंबर 19, टोक्यो की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जापान में। सवाल नंबर 20, पहली बार ट्रेन किस देश में चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में। सवाल नंबर 21, कौन से जानवर की पीठ में कूबड़ पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऊंट के पेड़ में। सवाल नंबर 22, नागिन झील भारत में कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। सवाल नंबर 23, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन मछली। सवाल नंबर 24, भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। सवाल नंबर 25, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। कमेंट करने से पहले हैशटैग जीके स्टडी अड्डा लगाना है। सवाल नंबर 26, किस देश को मिनी पंजाब कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा को। सवाल नंबर 27, रंगोली कहाँ की प्रमुख लोक कला है? तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र की। सवाल नंबर 28, कौन सा पक्षी पोस्टमैन की तरह काम करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कबूतर। सवाल नंबर 29, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ को। सवाल नंबर 30, आम के शहर के नाम से किस जगह को जाना जाता है? दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ को।